गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल सीमा व्लॉग एंड डीआईवाई। तो देखिए मेरे बाबू को देखिए, यशवीर क्या देख रहे हो बेटा? तो आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको दो बार वॉमिट हो चुका है, तो ऐसे लेटा हुआ है। और अभी 7 बज रहे हैं, 6:30 बज रहे हैं, तो ये भाग रहा था। 4 बजे इसका खेलने का टाइम होता है तो बोलता है माँ जा रहा हूँ खेलने के लिए। मैं कहा बेटा जी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप सो। तो जैसे ही बिस्तर पे गया सो गया। मतलब बच्चे खेलने के चक्कर में इतना वो होता है कि उनको पता नहीं है कि आराम भी करना है। और मैं 12 बजे 11:30 बजे आई स्कूल से, बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं आ गई। मुझे कॉलेज जाना था, मैं नहीं गई, अब कल जाऊँगी कॉलेज। तो तब से ये सोया हुआ है और अभी उठा है। तो देखते हैं, इसके लिए सोच रही खिचड़ी बना देती हूँ। थोड़ा सा खिचड़ी खाओगे? क्या खाना है रात को? क्या खाओगे? तो इसके लिए खिचड़ी ही बना दूंगी, थोड़ा हल्का भी रहेगा। तो बस, और मैंने मंदिर साफ कर लिया है मेरे कान्हा का। और मंदिर इसलिए साफ कर लिया क्योंकि कल तो मुझे जाना है, कॉलेज जाना है, तो 1-2 बज सकता है। और इतनी धूप में आने के बाद मेरी ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं मंदिर साफ करूं, तो मैंने अभी कर दिया। परसों से नवरात्रि स्टार्ट है। यशवीर कम कीजिए बेटा जी आवाज़। और इवनिंग हो गया, 6:30 बज गया है। मेरे तेजस को पैर में चोट लग गया, तो अपने पापा के क्लिनिक में है, वो इलाज करवा कर फिर आएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ, पता नहीं वॉमिट हो गया, इसको दूध देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यशवीर दूध लोगे बेटा जी? नहीं पीने का मन है तो दूध नहीं पिएगा। तो बस यही सब आज का रूटीन है। इसके जा रही, थोड़ा सा मालिश वुलिश कर देती हूँ, पैर हाथ में तेल लगा देती हूँ। बहुत दिन हो गया काम करने पे, ना बच्चे पे ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, ये भी ज़रूरी है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं घर से बाहर निकलूँ, बट तो चलिए इसको तेल उल लगाते हैं, फिर डिनर में क्या बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और पहले जो सब्जी सब मैंने बनाई है वो तो मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो जो नया होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने देखा नहीं है फ्रिज में क्या सब चीज़ रखा हुआ है, जो होगा उस हिसाब से फिर वीडियो आगे कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे ये वीडियो कंटिन्यू होगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। और आपका बहुत 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 धन्यवाद कि मेरे जो आप मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे फ्रेंड बन रहे हैं। मेरे यूट्यूब पे 2-3 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो कि मुझे मैसेंजर पे मुझसे बात करते हैं, और मैसेंजर पे बात करते हैं। मेरे फेसबुक फ्रेंड बन चुके, फेसबुक पेज पे नहीं है, फेसबुक पे है 4-5 हैं जो कि मुझे मैसेंजर पे बात करते हैं। उनसे मुझे बात करना अच्छा लगता है, और वो लोग बोलते भी कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। तो मैं व्हाट्सअप नंबर, अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर मांगा है उन्होंने, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मांगा, लेकिन मैंने नहीं दिया। एक के पास है मेरा व्हाट्सअप नंबर, और आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा दिल से धन्यवाद। Thank you.
मॉर्निंग एवरीवन, और आज है सैटरडे और टाइम हो रहा है 6 मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने भिंडी मसाला, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भिंडी मसाला और शिमला आलू मिर्च की सब्जी मैंने बना ली है। सुबह मैं 3:30 बजे उठी थी तो सब्जी और ये सब तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई, फिर कान्हों को स्नान करवाई और जो दिया बाती करके दूध का भोग अभी मैंने नहीं लगाया, जाऊंगी तो भी मैं दूध का भोग लगाऊंगी। तो दोनों सब्जी बन गई क्योंकि ये भिंडी ना थोड़ी सी सूख रही थी तो मैंने सोचा कि चलो दोनों बना ही लेते हैं। तो मुझे रोटी बनाना है और 7:15 बजे मुझे निकलना है स्कूल के लिए। मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। और बच्चों का स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो बस अभी जो है मंडे से स्कूल जाएंगे। तो मेरा वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि मुझे भी तैयार होके जाना है, बच्चों को भी तैयार करना है, ब्रेकफास्ट उनको देना है, लंच देना है, तो पता नहीं कैसे मैनेज करूँगी। अकेले ही सब करना पड़ता है मेरी, तो इससे ना मैं ढंग से मेरा खाना नहीं हो पा रहा है। तो दोनों बाबू की मालिश करने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मेरी रेसिपी में इतना खास होता नहीं है, बस रोटी सब्जी यही सब होता था। स्पेशल बनाऊंगी तब तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना। तो रात को मैं गोभी आलू की सब्जी बनाई थी और सारा दिन मैं कुछ भी नहीं खाया था, मैंने कुछ खाने का मन ही नहीं किया, अजीब सा मन हो रहा था और यहाँ पे मेरे सीने में दर्द हो रहा था बहुत तेज। तो किसी तरह मैं आई और सो गई, फिर अपना असाइनमेंट भी बनाई थोड़ा सा क्योंकि असाइनमेंट वर्क बहुत पड़ा हुआ है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है, वो सब बनाई। तो रात को लग रहा था कि हाँ अब मैं खाऊं, फिर थोड़ा सा चावल बनाई थी तो चावल के साथ मैंने सब्जी खाया, मतलब सब्जी चावल खाया। तो यही था कल, तो इसलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो बस अभी 6:20 हो रहे हैं तो नाश्ता और लंच, मतलब ब्रेकफास्ट और लंच सब कुछ बना लिया है मैंने। लंच मैंने बना कर रख दिया कि अगर लेट हो गया तो फिर मुझे बनाने की झंझट नहीं होगी क्योंकि बच्चे भी हैं ना तो उनको भूख लग जाती है, बना हुआ रहेगा तो आते ही मैं खिला दूंगी या फिर पापा खिला देंगे। तो मैं यहाँ पर सत्तू बना रही हूँ, इतना सवेरे सवेरे रोटी सब्जी ये सब खाने का मन नहीं करता है तो सोचा कि सत्तू ही बना लेती हूँ। तो सत्तू में मैं सिर्फ नमक डालकर इसको मिक्स करके फिर मैं बनाई हूँ। और ऐसे तो इसमें बहुत कुछ ऐड होता है जैसे प्याज हो गया, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वो सब बनाकर सत्तू तैयार करती, तो सिंपल नमक डालकर मैंने सत्तू तैयार कर लिया है। तो मैं सवेरे ऐसे ही रेडी होती हूँ बिल्कुल सिंपल सा, तो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी अपना ये वाला मेकअप। कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रीम व्रीम है और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ आपके साथ शेयर करूँ। तो अब बस ये मैं सत्तू पीकर फिर मैं निकलूँगी स्कूल के लिए। 7:15 बजे निकलूँगी क्योंकि हमारे ना घर के बिल्कुल नज़दीक ही मुझे मिला है सेंटर, तो हमारे ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स हैं तो मैं कैप्टन बनी हूँ। मेरे ग्रुप की कैप्टन मैं हूँ और मौसम है, तो इस करके मुझे और मौसम को टाइम पे जाना ज़रूरी होता है कि वहाँ पर चेतना सत्र, अगर बोला जाए तो चेतना सत्र ही बोलूँगी, तो ये सब चीज़ करवाना है तो उसके लिए मुझे और मौसम को टाइम पे जाना पड़ता है। तो बाकी और जो स्टूडेंट वो थोड़ा सा लेट आते हैं बट मैं और मौसम कैप्टन है तो फिर जल्दी जाना ज़रूरी है, इसलिए रेडी होके अब मैं जाऊँगी। अभी है 10 मिनट इसलिए मैं बैठ गई हूँ और वो देखिए पीछे यशवीर अभी तक सो रहा है, तबीयत उसकी ठीक नहीं है, लेकिन क्या बोलूँ, जाना तो पड़ेगा ही मुझे। अगर ज़रूरी नहीं होता तो शायद मैं नहीं जाती क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, वो ढूंढेगा उठेगा तो मुझे, वैसे मैंने उसे बोल दिया था कि बेटा चल मुझे जाना है, तो बोला कि मम्मी आप चले जाना, मेरी चिंता मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना। उसको ये नहीं पता कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ, तो मुझे बोलता है कि माँ अच्छे से पढ़ाई करना, मेरी चिंता मत करना। कितने सिचुएशन के हिसाब से बच्चे समझदार हो जाते लेकिन बड़े समझदार नहीं होते।
अब मैं निकलूंगी, बस कल का वीडियो आज मैंने कंटिन्यू किया, बहुत जानती हूँ कि कुछ खास नहीं सिखा दिखाया, बस लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा मैंने आपको दिखाया है कि इस टाइम से मेरी लाइफ चल रही है, शायद कुछ अच्छा हो जाए, आप लोगों का साथ होगा, प्यार होगा तो ज़रूर अच्छा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वहाँ से आने के बाद मैं दुर्गा सप्तशी पर एक वीडियो बनाऊँगी। मुझे कमेंट आया था कि आप सप्तशी का पाठ कैसे करते हैं, पहला अध्याय कब करना चाहिए, सेकंड कब करना चाहिए, इस हिसाब से। तो प्रॉपर मैं जिस तरह मैं पाठ करती हूँ, जिससे मुझे पंडित जी ने बताया है, मैं वो सारा नियम जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट स्कूल से आने के बाद शेयर करूँगी और उसी समय मैं उसे पब्लिश कर दूँगी, क्योंकि कल है नवरात्रि, तो एक दो दिन नवरात्रि के दो तीन दिन बाद ये वीडियो पहुँचे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपको रात तक ये वीडियो चला जाएगा सप्तशी पाठ का। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, बाय।